वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फिजिक्स। टुडेज लेक्चर टोटली बेस्ड ऑन सॉल्यूशंस ऑफ गेट 2021। ओके, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट ने मुझे सेंड किए हैं, ठीक है, उन्हीं के क्वेश्चंस मैं आज अपलोड करूंगा। ओके, देखिए, हो सकता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन में इधर उधर हो जाए तो जस्ट मुझे कमेंट करके बताना है। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, ठीक है, वहां से तुम्हें जो भी तुम्हें और क्वेश्चंस याद आते हैं तो मुझे सेंड कीजिए, मैं उनका सॉल्यूशंस भी जल्दी अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ये अपने पास में पार्ट फर्स्ट है जो अभी तुम्हारे पास में लास्ट डे ही तुम्हारे पास में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, गेट 2021 का। तो लगभग अपन मेरे पास में लगभग 15-16 क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चंस आए हैं तो उनके सॉल्यूशंस जो है मैं आज यहां पे अपलोड करूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या था तुम्हारे पास में, तुम्हें ये डिजिटल सर्किट से है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। ओके, ये आपके पास में एक और गेट दे रखा था, यहां पे तुम्हारे पास दो नोट गेट लगा के ऐसे जोड़ रखा था, और यहां पे तुम्हारे पास बोल रहा था कि ये जो सर्किट है वो कौन से गेट से मिलके बना है। ठीक है, ऑप्शन दे तुम्हारे पास नोर, नैंड, ओके, एंड नॉट और। ठीक है, ये चार ऑप्शन थे आपके पास में। ठीक है, तो देखिए यहां पे सबसे पहले तुम्हारे पास में दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो क्या है, फर्स्ट मेथड तो क्या बोलता है, फर्स्ट मेथड तो ये बोलता है इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, तो यहां क्या पहुंचेगा ए बार, यहां क्या पहुंचेगा बी बार। इसको वाई मान लू तो वाई इक्वल टू और गेट है ए बार प्लस बी बार। ठीक है, इसको मैं डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके ए डॉट बी का बार लिख सकता हूं। मुझे बताइए ये कौन सा गेट है, दिस इज नैंड गेट। ठीक है, ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है एग्जाम के अंदर नैंड ऊपर हो नोर नीचे हो, मैं जस्ट आंसर बता रहा हूं, आंसर तुम चेक कर लेना। ठीक है, और सेकेंड मेथड क्या बोलता है भाई, सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, नोट गेट। ठीक है, नोट गेट को एक तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको मैं यहां पे ले जाऊं, इसको यहां से यहां ले जाऊं। ठीक है, तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास में, बबल्ड, बबल्ड और गेट। ठीक है, और बबल्ड और गेट किसके बराबर होता है, नैंड गेट के बराबर। बबल्ड एंड गेट किसके बराबर होता है, नोर गेट के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन तुम्हारे पास नैंड आ जाएगा। ओके, अब देखो कई स्टूडेंट्स की ये तुम्हारे पास शिकायत थी कि सर डिजिटल में तो और क्वेश्चंस आए नहीं है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा स्ट्रेटेजी जो है अपना इस तरह से बनाओ कि सब्जेक्ट्स तुम्हें सारे पढ़ने हैं। ओके, भले ही उसमें सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ो, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है अपन 5 सब्जेक्ट पढ़ के जाएंगे हम तो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि उनको तो अपना लेवल बनाना है ना, सीएसआईआर नेट जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो नेट का जो लेवल जो होता है उनको पता है कट ऑफ 70-80-90 नंबर जानी है। ठीक है, तो वो लेवल बना के चलेंगे तो कुछ सब्जेक्ट तो टफ देंगे ना, तो अगर आप नोकी नो सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे तो उसमें ये रहेगा कि कुछ सब्जेक्ट अगर टफ भी होगा तो कुछ सब्जेक्ट आसान होगा, तो अपन कर सकते हैं। मान लो तुमने 5 सब्जेक्ट पढ़ी, उसमें ईएमटी क्वांटम उन्होंने टफ दे दी, तो फिर क्या बचेगा, फिर तुम कर ही नहीं सकते एग्जाम क्वालिफाई। ठीक है, तो सब्जेक्ट सारे पढ़ के जाने आगे एग्जाम में, ध्यान रखना। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे पास था द नंबर ऑफ लाइन एटॉमिक से था भाई, है ना, सेकंड क्वेश्चन एटॉमिक से था। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा हूं तुम्हारे पास होंगे द नंबर ऑफ लाइन दैट विल बी अपियर इन प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और यहां तुम्हारे पास था 2d 3/2 से 2p½। ठीक है, आई होप ये एनएटी वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे तुम्हारे पास वीक बोल रहा है, इसका मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया, एनामोलस डिमांड इफेक्ट। ठीक है, ये इफेक्ट हो जाएगा तुम्हारे पास में। उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या होते हैं भाई, डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 0 ± 1, और एम जे इज इक्वल टू 0 से 0, एम जे इज इक्वल टू 0 नॉट अलाउड। ये कब होता है, जब डेल्टा जे इज इक्वल टू 0, जब पढ़ाया था मैंने तो बहुत अच्छे से बता रखा है। ओके, तो देखिए ये अगर तब होता है जब तुम्हारे पास में ये कंडीशन होती है, तो यहां पे तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है, यहां जे बराबर 3/2 है, यहां जे बराबर 1/2 है। तो देखो यहां पे एम जे वैल्यूज के लिए क्या होगी, -3/2 -1/2 1/2 3/2, इसके लिए एम जे की वैल्यू -1/2 1/2। ठीक है, तो देखो इससे इसमें जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है। इससे इसमें जा सकता है क्या, तो देखो 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, तो 2 हो जाएगा। सिलेक्शन रूल बोलता है 0 ± 1 ही होना चाहिए, इससे इसमें नहीं जाएगा। इससे इसमें जा सकता है, इससे इसमें जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से,
इसके लिए वन प्लस, इसके लिए टू लाइन प्लस, ऐसे इसके लिए भी टू लाइन होगी, इसके लिए वन होगी, तो टोटल कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास में, सिक्स लाइन्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट से बात हुई तो वो बता रहे थे कि सर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर से जो है काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो देखो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वैसे भी आसान सब्जेक्ट है और क्वेश्चन भी काफी पूछे गए। ठीक है, पेपर का भी नहीं पता, जितने क्वेश्चन आए हैं मॉडरेट पेपर बता रहे हैं। ठीक है, अभी और क्वेश्चन आएंगे तो पता लगेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आए हुए हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन थर्ड है आपके पास में, क्वेश्चन थर्ड जो था तुम्हारे पास में, देखो ईएमटी का है ना, ईएमटी यहां पे मैं बात कर रहा हूं सोलेनोइड की। ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे इतना सा पता है तुम्हारे पास सोलेनोइड है। ठीक है, और इसका जो भी तुम्हारे पास में दे रखा होगा, और तुम्हें जो है जहां तक मुझे ध्यान है एएफ मतलब वेक्टर फील्ड एंड तुम्हारे पास आर के बीच में जो है इसका कर्व पूछा था। ठीक है, कर्व बिटवीन एएफ एंड आर। ठीक है, ए क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, तो तुम्हें पता है बी इन कितना होता है म्यू नॉट एन आई एन, बी आउट कितना होता है जीरो। ठीक है, बट मैंने बताया था जब मैंने पढ़ाया था वहां पे, भले ही इसका ग्राफ नहीं बनाया हो लेकिन मैंने इतना नोट करवा के और लिखवाया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जीरो भी होता है तो भी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। ठीक है, मैंने साफ साफ बताया था। तो यहां पे जब ए इन निकालोगे वो प्रोपोर्शनल टू आर आएगा, एंड जब ए आउट निकालोगे तो प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर। अपन ने पूरा सॉल्यूशन किया था इसका। ठीक है, तो देखिए जब इसका कर्व बनाएंगे अपन ए एफ एंड आर के बीच में, तो पहले क्या रहेगा लीनियर। ठीक है, प्रोपोर्शन वाई बराबर एक्स का ग्राफ, और उसके बाद में तुम्हारे पास इस तरह से बनेगा। ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो देख लेना उसके अंदर। ठीक है, ये आंसर आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पंद्रह सोलह क्वेश्चंस करेंगे बाकी, और बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास में वो अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन फोर है तुम्हारे पास में क्वांटम मैकेनिक्स से। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं थ्री नन रिलेटिविस्टिक बोसोंस ऐसे कुछ करके है, नन इंटरेक्टिंग होगा बोसोंस मास एम इन वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल और विड्थ ए। ओके, ये तुम्हारे पास वन डी बॉक्स दे रखा है। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, एन कितना दे रखा है तुम्हारे पास में थ्री बोसोंस दे रखा है भाई। ओके, थ्री बोसोंस दे रखा है, बोल रहा है फोर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए तुम्हें क्या पूछ रहा है, एनर्जी जो दे रखा है वो दे रखा है तुम्हारे पास में x इंटू पाई स्क्वायर एच कोस स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर। तो तुम्हें जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसा ही क्वेश्चन था। चलिए तो देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसके सॉल्यूशन में तुम्हारे पास चार पांच कंडीशन लिख लीजिए जो इसकी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो देखो बोसोन्स है, मैंने बताया था बोसोन्स जो होते हैं वो एक स्टेट में कितने भी पार्टिकल भर सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है क्वांटम मैकेनिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल से पूछा गया था। ओके, तो देखिए तुम्हारे पास 1D बॉक्स n बराबर 1 से स्टार्ट होता है 1। ठीक है, यहां पे लिख लो दिस इज 1 2 3। ओके, तीन बोसोन्स है तो तीनों ग्राउंड स्टेट के लिए क्या करूं मैं, तीनों यहां पे रख दूं तो तुम्हारे पास देखो क्या हो जाएगा। अच्छा, एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर। बिट दे है तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखो भाई इसको मैं मान लेता हूं के। ठीक है, इसको मैं तुम्हारे पास में इसको के मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन में टू इंटू के, ये हो जाएगा। तो देखिए यहां पे जब मैं इसके लिए एनर्जी लिखूंगा तो थ्री पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल के लिए तुम्हारे पास इतनी होगी, तीन पार्टिकल कितनी हो जाएगी एन बराबर वन है तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में एन बराबर वन। ठीक है, एन बराबर वन है ना ये। ओके, ये एन बराबर तुम्हारे पास वन है। ठीक है, यहां पे के इंटू के बाई टू तो इसके लिए एनर्जी हो जाएगी थ्री बाई टू के। ओके, नेक्स्ट देखता है अब मैं क्या करता हूं भाई, देखिए इधर अब मैं क्या करता हूं, दिस इज 1 2 3 4 वन डी बॉक्स वन से स्टार्ट होता है ध्यान रखना। ओके, अब मैं क्या करता हूं इसमें से एक ऊपर भेज देता हूं, कोई दिक्कत यहां पर। तो देखिए इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी एक पार्ट, इसमें दो पार्टिकल है फर्स्ट वाले में तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में तुम्हारे पास दो पार्टिकल हैं तो 1 into 1 का स्क्वायर 1 into k upon 2। ठीक है, प्लस सॉरी दो पार्टिकल है ना तो यहां पे 2 हो जाएगा ना, दो पार्टिकल है प्लस
इसमें एक पार्टिकल है, ठीक है, तो वन इन टू एन बराबर टू है, फोर इन टू के अपॉन में टू, तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो के प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टू के, तो कितना हो जाएगा, थ्री के, ठीक है। और कंडीशन लेके चलू मैं तुम्हें, तो थर्ड एक्साइटेड मतलब ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो अभी मुझे पता नहीं है कौन सी ग्राउंड है, कौन सी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है, जस्ट मैं कंडीशन लेके चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन मैं लेके चलता हूं ये वाली, देखना ध्यान से, एन बराबर वन टू थ्री फोर, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करके आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करता हूं, इस पार्टिकल को भी यहां भेज देता हूं, है ना, एक यहां पे है, ये लीजिए, ठीक है। अब देखो इसका कितना हो जाएगा तुम्हारे पास एनर्जी, एन बराबर वन, एक ही पार्टिकल है, वन इंटू के बाई टू, प्लस यहां पे दो पार्टिकल है, दो इंटू फोर इंटू के बाई टू, तो एन स्क्वायर होगा ना, तो यहां पे फोर हो जाएगा तुम्हारे पास के बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा के बाई टू प्लस फोर के, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 के, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेता हूं, नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, तीनों इसके अंदर भर देता हूं, ठीक है। तो देखो एनर्जी इस केस में कितनी होगी, इस केस में एनर्जी कितनी होगी भाई, इस केस में देखो एनर्जी हो जाएगी तुम्हारे पास में, तीन पार्टिकल है इसके अंदर भरे हैं, एन स्क्वायर फोर इंटू के बाई टू, दैट मीन्स सिक्स के। और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, और देख लेते हैं पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपने को तो थर्ड चाहिए, एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, ठीक है, ऐसे ही है तुम्हारे पास। अब और पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए इधर मैं क्या करता हूं, दो पार्टिकल यहां पे रहने देता हूं, एक पार्टिकल को मैं यहां पे भेज दिया मैंने, ठीक है, इस केस में एनर्जी देखिए तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, टू इंटू वन इंटू के अपॉन टू, ओके, प्लस इसमें एन बराबर थ्री है, तो तीन तीन नौ, तो वन इंटू नाइन इंटू के बाई टू, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नाइन बाई टू 4.5 प्लस 1 5.5 के, ठीक है। तो अब देखिए तुम्हारे पास, इसको मैंने के मान लिया भाई, है ना, इसको मैंने के मान लिया, देखिए सबसे कम 3/2, तो इसको मैं ग्राउंड स्टेट लिख लूं, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ठीक है। इसके बाद में 3 के ही है मेरे हिसाब से, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसके बाद में देखिए तुम्हारे पास, इसके बाद में सेकेंड के लिए ये 6 आ रहा है, ये 4.5, तो ये तुम्हारे पास में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये तुम्हारे पास ये हो गया, ये होगी, दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा इसका, 5.5, ये दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ये तुम्हारे पास राइट आंसर है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करके आए हैं जो कि गलत है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास दिस इज फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है भाई, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, और तुमसे पूछा क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, x इज इक्वल टू 5.5 आएगा, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहां पे आप जो भी क्वेश्चन आपको याद है वहां पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी अपन। अच्छा एक इंफॉर्मेशन और है, अपनी जो है लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट जो है पूरा रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी, सर हमको ये पर्टिकुलर यही सब्जेक्ट लेनी है, यही सब्जेक्ट लेनी है, तो वो ले सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन 5 क्या है भाई, आपको क्वांटम मैकेनिक्स से था, ठीक है, स्पिन वाले पोर्शन से, फाई आपको दे रखा है 1/3 2 प्लस आयोटा 2, ओके, और आपको एसएक्स के लिए प्लस एस क्रॉस बाई 2 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन था, है ना। ऑप्शन था इसका 15/18, 11/18, 17/18, 5/18। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नॉर्मलाइज्ड, तो नॉर्मलाइज चेक करना आता है सबको, 5 5 इज इक्वल टू 1 आ रहा होगा, देख लेना चाहे, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड है, तो मैंने देखो फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट लिखाया हुआ है, एस एक्स के लिए प्लस एच क्रॉस वाई टू में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2
ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर, माइनस में पूछता तो ए माइनस बी हो जाता, ठीक है। तो 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस आयटा बाई 3, ठीक है। तो इसको मैं कर दूं 2 प्लस आयटा प्लस 2 बाई 3 के मॉड का स्क्वायर, ओके। तो यहां पे देखो कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 9 हो जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस आयटा के मॉड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/18, ठीक है। इसका स्क्वायर 16 प्लस 1, ठीक है, आयटा 1 हो जाएगा तुम्हारे पास अंडर रूट, और इसका स्क्वायर दैट मींस 17/18, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी तुम्हारे पास जो है क्वांटम मैकेनिक्स से पूछा है, स्कैटरिंग से, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था आईआईटी बॉम्बे जो है क्वांटम मैकेनिक्स का ईएमटी का पार्ट ज्यादा देता है मैथमेटिकल का, बट मुझे नहीं पता ईएमटी मैथमेटिकल में क्वेश्चन ज्यादा आए नहीं आए, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक मॉलिक्यूलर में काफी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। चलिए, जो वीआर है आपके पास, जो पोटेंशियल दे रखा है वी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा आर अपॉन में आर, ठीक है। आपसे जो है एफ थीटा पूछा था, क्या, क्योंकि पावर, ठीक है, क्योंकि पावर तुम्हारे पास ऐसे कुछ पूछा था इसके ना, ठीक है। तो यहां पे जो अल्फा है वो कैलकुलेट करना है, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो देखिए बता रखा है सॉल्यूशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एफ थीटा क्या होता है, माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर q, 0 से इनफाइनाइट r v r साइन q r d r, ठीक है। तो देखिए माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर q, ओके, हाँ जी, 0 टू इनफाइनाइट r ऐसे कैसे, v r कितना है, v नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा r अपॉन r साइन q r d r, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, v नॉट बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2m v नॉट अपॉन h क्रॉस स्क्वायर q, इसको नीचे लिख दूं, यहां पे लिख रहा हूं भाई, है ना, माइनस 2m v नॉट h क्रॉस स्क्वायर q, ओके। और यहां पे जो है तुम्हारे पास में e टू द पावर माइनस अल्फा r साइन क्यू आर डी आर, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, दिस इज एफ थीटा। अब देखिए, अब इसको तुम दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, एक तो तुम्हें लेंथी मेथड से करना होगा और एक तुम्हें जल्दी से शॉर्ट मेथड से हो जाएगा। तो तुम कौन सा पसंद करोगे, जो कि शॉर्ट मेथड से हो जाए, सीधी सी बात है, वही तो पसंद करोगे तुम, ठीक है। देखिए यहां पे देखिए भाई, एक तो तरीका क्या है, इसको लिख लो e की पावर आयटा क्यू आर माइनस e की पावर माइनस आयटा क्यू आर अपॉन टू आयटा से, ठीक है, फिर इसमें r कॉमन लेके उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका क्या है, फ्रॉम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाता हूं तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये कहां पे यूज होता है इसका एप्लीकेशन। देखो इस इंटीग्रल को आसान बनाने के लिए सिंपल इसका यूज होता है, और भी मैंने यूजेस बताए थे इसके, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखते हो, 0 टू इनफाइनाइट साइन ए टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, और इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप सबको याद होगा, इसको यहां से कंपेयर करेंगे तो देखिए एस इज इक्वल टू अल्फा है, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्यू है, तो यहां पे रखो माइनस 2m v नॉट अपॉन h क्रॉस स्क्वायर q, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो q अपॉन a की जगह q रखेंगे फॉर्मूले में, और s की जगह अल्फा रखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, q से q कैंसिल आउट हो गया, कंडीशन उसमें दे रखी होगी अल्फा टेंस टू जीरो करके ऐसे कुछ करके। तो यहां पे तुम्हारे पास जो f थीटा प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा वो देखो, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, q की पावर माइनस 2, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, नोट करते जाइए भाई। ठीक है, तो देखो अभी जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे, अगर सिली मिस्टेक्स अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ये क्वेश्चन सही बने होंगे, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, और क्वेश्चन टफ होंगे तो आप मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है, उनका सॉल्यूशंस भी अपन देखेंगे। चलिए मिटा दो इसको, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये 6 नंबर का था और अभी क्वेश्चंस है अपने पास में, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन आपके पास पूछा हुआ था भाई ईएमडी से, ठीक है। तुम्हारे पास जो है ई इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आयटा 4x+3y+5z -10 πt दे रखा था, ठीक है। और आपसे पूछ रहा था वेव वेक्टर के कैप की वैल्यू, यूनिट वेक्टर पूछ रहा था, ठीक है। तो सॉल्यूशन कंपेयर विथ, इसको अपन क्या करें, देखिए, कंपेयर विथ ई इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आयटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर -ωt। हमें तो के वेक्टर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो के वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या हो जाएगा, 4x+3y+5z, ठीक है। आर वेक्टर तुम्हें पता है क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। तो यहां पे जब करेंगे तो यहां से तुम्हें जो के वेक्टर मिलेगा वो मिल जाएगा 4x+3y+5z। यहां पर एक काम कीजिएगा, इसको ऐसे लिख लेना, एक्स एक्स कैप ऐसे लिख लेना भाई, ठीक है। अब देखो यहां से करोगे तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक्स कैप डॉट एक्स कैप 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4x, तो ये तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे के वेक्टर का मोड कितना हो जाएगा, इसके कोफिशियंट का स्क्वायर 16, इसके कोफिशियंट का स्क्वायर 9, इसके कोफिशियंट का स्क्वायर 25। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास देखिए, ये है तुम्हारे पास, तो ये हो जाएगा 25 नौ जो √50 हो जाएगा भाई, है ना, √50 हो जाएगा। और √50 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5√2 लिख सकता हूं ना। सो तुम्हारे पास पूछा क्या था, के कैप पूछा था, के कैप का फॉर्मूला होता है के वेक्टर अपॉन इसके मोड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 upon 5√2 x कैप + 3 upon 5√2 y कैप + 5 upon 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास में, ये हाँ ये था तुम्हारे पास में स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स से। ओके, आपको ये दे रखा था टी इज इक्वल टू के बी बीटा की पावर -1, ठीक है, फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ई एन तुम्हारे पास n+ ½ h क्रॉस ω, नॉन डिजनरेट स्टेट होगी वन डायमेंशन में। और आपको पूछ रहा था हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ऑप्शन लिखा नहीं मैंने, तुम्हें ध्यान होगा कुछ, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका बताता हूं, देखो मैं तुम्हारे पास जो है ये है। अब देखो मैं तुम्हें बोलता हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर जिसको आपको डायरेक्ट पार्टीजन फंक्शन याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, इनके मैंने बताया था कि डायरेक्ट पार्टीजन फंक्शन याद रखने हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास में जो रोटेशनल मोशन है तुम्हारे पास, उसके कुछ पार्टीजन फंक्शन बताए थे, क्योंकि फोटोन के लिए तुम्हें डायरेक्टली बताया था मैंने। क्योंकि देखो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि आपको चीजें अगर जितनी जल्दी हो जाती है ना तो आपके लिए बेनिफिट होगा, जैसे BARC का एग्जाम होता है, बार्क का एग्जाम, ओके, उसके अंदर आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। अब तुम इसका पार्टीजन फंक्शन निकालने लग जाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से तुम्हारा जो है टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो F इज इक्वल टू, तुम्हें पता है फॉर्मूला ये होता है क्या, LnZ, और फोर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर जो पार्टीजन फंक्शन होता है इसका, इसका होता है तुम्हारे पास ई टू द पावर -β h क्रॉस ω/2 1 e to the power -β h क्रॉस ω, चाहे निकाल लेना, ठीक है, मैंने निकलवाया हुआ है क्लास के अंदर। ओके, देखिए यहां पे, तो यहां से तुम्हारे पास F इज इक्वल टू -kBT ln Z, Z की वैल्यू रख दो, यही तो हो जाएगा। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा kBT, ओके, ln ये ऊपर चला जाएगा, 1 e to the power -β h क्रॉस ω upon e to the power -β h क्रॉस ω/2। ओके, चलिए kBT ऐसे कैसे, log a upon b, log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा, देखिए ln 1 e to the power -β h क्रॉस ω, ओके। और यहां पे तुम्हारे पास में -ln e to the power -β h क्रॉस ω/2, कोई दिक्कत, चलिए आगे। हाँ जी kBT, ठीक है, ये kBT ऐसे कैसे लिख देता हूं मैं, ये तुम्हारे पास ऐसे कैसे आएगा, ln 1 - e to the power -β h क्रॉस ω, ठीक है, माइनस लॉग एंटी लॉग हट जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, प्लस हो जाएगा β h क्रॉस ω/2। ओके,
के बी टी को क्या लिख सकता हूं मैं, वन अपॉन बीटा, बीटा से बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके अंदर चला जाएगा। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन मिला होगा तुम्हें, ऐसा कोई ऑप्शन मिला होगा इस क्वेश्चन का, एच क्रॉस ओमेगा बाई टू, एच क्रॉस ओमेगा बाई टू, क्यों, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं वन अपॉन बीटा और बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच क्रॉस ओमेगा बाई टू प्लस का, ठीक है, फिर इसको भी तो अंदर ले जाएंगे, तो प्लस के बी टी एल एन वन माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा। देखो ऐसा कोई ऑप्शन था तुम्हारे पास में, ठीक है, ये तुम्हारे पास फाइनल जो है एफ आ जाएगा तुम्हारे पास इसका आंसर, ओके नोट कीजिएगा इसको, फिर अपन जो है आगे चलते हैं। हो गया, देखिए अब आगे चलते हैं इसके अंदर तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास आठ क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, है ना, आठ क्वेश्चन हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चन में जो है कठिन क्वेश्चन होंगे, हार्ड क्वेश्चन टफ क्वेश्चन होंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा, है ना, और बाकी अभी और देखते हैं अपन, थोड़ा पता लग जाएगा कि और क्वेश्चन कैसे आए हैं। ग्राफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे थे भाई, है ना, तो मुझे क्वेश्चन सेंड करना अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद हो तो, ठीक है, क्योंकि तभी मजा आता है क्वेश्चंस करने में जब एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको याद है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स से था, पर्टर्बेशन थ्योरी से, पर्टर्बेशन थ्योरी से, ओके, आपके पास देखो ये करेक्शंस दे रखा था 0 to n, ठीक है, और यहां पे आपको जो है वी नोट दे रखा था, वी एक्स इज इक्वल टू वी नोट दे रखा था, ठीक है, ये आपको दे रखा था, या सिंपल लिख लो वी नोट, ये आपको वी नोट दे रखा था भाई, ओके। तो यहां पे देखिए तुम्हारे पास जो है 1D बॉक्स के अंदर, 1D बॉक्स के अंदर आपको जो है ग्राउंड स्टेट करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट पूछा था, ठीक है, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई डैश का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साई वन स्टार, ठीक है, पर्ट्रीब्यूशन जो भी आएगा साई वन एक्स डी एक्स लिमिट 0 to n, ओके। तो देखिए तुम्हारे पास सबसे पहले तो अपने को ये चाहिए, ठीक है, तो ये कैसे निकाल लेंगे, कभी तो क्या होता है कि बिल्कुल सिंपल दे देता है, ठीक है, अब इसने क्या है कि हर जगह जो है वेरी कर रहा है, ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन निकाल ले, मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस, ये 0 0 पॉइंट है और यहां पे एक्स में तो एल है, वाई में वी नॉट है, ठीक है, तो इसके लिए क्या निकालेंगे, देखो फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहां पे तुम्हारे पास में एक्स माइनस एक्स वन, ओके, तो वाई माइनस वाई वन कितना है भाई 0 इज इक्वल टू वाई टू कितना है वी नॉट, वाई वन कितना है 0, एक्स टू कितना है एल, एक्स वन कितना है 0, एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन कितना है 0, ठीक है, तो जहां से मुझे लगता है वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वी नॉट एक्स बाई एल, इसको तुम क्या लिख सकते हो वी डैश इज इक्वल टू वी नॉट एक्स बाई एल, चेक कर सकते हो, ठीक है, अगर यहां पे तुम्हारे पास देखो x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, देखो x बराबर 0 पे 0 आ रहा है, अगर x बराबर l रखोगे तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, v नोट आ जाएगा, इसका मतलब अपन ने सही किया है, ठीक है, तो यहां पे देखो वैल्यू रखेंगे तो इसका होता है अनरूट टू बाई एल होता है, तो देखिए v नोट बाई एल तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, अनरूट टू बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल, तो टू बाई एल बाहर आ गया, ठीक है, ये तुम्हारे पास बाहर आ गया, और यहां पे तुम्हारे पास क्या होता है देखो साइन स्क्वायर हो जाएगा क्या, एक्स इंटू साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल 0 to l डी एक्स, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या बन गई भाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, और मुझे बताइए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू, मैंने बहुत बार तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया होगा, जो भी विड्थ होती है उसका मिड पॉइंट कर दीजिए, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा एल बाई टू, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा वी नोट एल इंटू टू बाई एल इंटू एल बाई टू, टू से टू कैंसिल एल से एल कैंसिल, दैट मीन्स वी नोट बाई, देखिए एक बार ये तुम्हारे पास वी नोट बाई टू बचेगा क्या भाई, ये देखिए तुम्हारे पास वी नोट, यहां पे तुम्हारे पास एल बाई टू है, ओके, इसके अंदर एक बार देखिए कहीं पे तुम्हारे पास कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है, इसका शायद जहां तक मुझे ध्यान है वी नोट बाई टू आंसर आएगा, ठीक है, वी नोट बाई टू आंसर आएगा या वी नोट बाई एल आएगा, देख लेना एक बार, ठीक है, ई डैश इज इक्वल टू तुम्हारे पास 0 to l, ये ग्राउंड स्टेट में पूछा है, वेव फंक्शन तुम्हारे पास कितना होता है साई वन इज इक्वल टू अनरूट टू बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल, ये तो होता है फॉर्मूला, ठीक है,
तो ये 2 by L बाहर आ जाएगा, ओके इसके अंदर, ओके 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 ठीक है। देखो यहां पे क्या मिस्टेक हुई है, एक्चुअल में जो होता है ना वो ये होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स होता है वो इसके अंदर ही तो चला जाएगा तुम्हारे पास में, इस पूरे की वैल्यू जो होती है तुम्हारे पास में वो होती है एल बाई टू, ठीक है। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वी नोट बाई टू इंटू एल बाई टू, ठीक है, वी नोट बाई एल इंटू एल बाई टू, तो यहां पे हो जाएगा वी नोट बाई टू, ठीक है। क्योंकि देखो एक्चुअली मैं बता दूं अपन क्या मिस्टेक्स कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, साई स्टार एक्स साई डी एक्स 0 to L, तो इस साई के अंदर ही तो ये √2/L चला गया, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू क्या होती है, एल बाई टू, ठीक है। तो ये आपके पास में वी नोट बाई टू आ जाएगा, नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, ओके। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जो भी देखो तुम्हारे पास इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं भाई तुम्हें कहीं पे सॉल्यूशंस में हो सकता है, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, सिली मिस्टेक्स, अगर आज हम भी एग्जाम देते हैं तो सिली मिस्टेक्स होगी हमसे, ठीक है। ऐसा नहीं है जितने क्वेश्चंस करें वो सारे क्वेश्चन सही करें, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती है, आसान क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। तो कहीं सॉल्यूशन में तुम्हें लगे कि ये सॉल्यूशन जो है सर ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए, तो मुझे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, ये क्वेश्चन है क्लासिकल मैकेनिक्स से, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा था भाई, ओके। तुम्हारे पास दे रखा था इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोई कांस्टेंट वेक्टर है, ओके, और आपसे क्यू आपको दे रखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड पी आपको दे रखा था बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। लिखो इफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल ये तुम्हारे पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। मुझे नहीं पता एनडी टाइप था या फिर एमसीक्यू टाइप था, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन करें, फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे पास में फॉर्मूला होता है क्यू पी इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्यू की वैल्यू ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर, पी की वैल्यू बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स पी एक्स ए वाई पी वाई ए जेड पी जेड, इसको क्या लिख सकता हूं, बी एक्स इंटू एक्स बी वाई इंटू वाई बी जेड इंटू जेड इज इक्वल टू 1। अब तुम्हें पता है मोमेंटम का पोजीशन में अगर सेम डायरेक्शन में होता है उसी की कुछ वैल्यू मिलती है, बाकी 0 होता है, ठीक है। तो देखिए इसका इसके साथ करूं तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स और पी एक्स का एक्स के साथ में ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। प्लस अब देखिए पी एक्स का पी वाई के साथ करेंगे तो 0, तो इसका करने की जरूरत नहीं है। अब मैं करता हूं इसका इसके साथ में, ठीक है। तो देखिए ए वाई बी वाई ए वाई वी वाई यहां पे हो जाएगा पी वाई का वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही ए जेड बी जेड पी जेड का जेड के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू 1, ओके, बाकी सारे 0 हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो देखो यहां पे तुम्हें पता है पी एक्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है। क्वांटम नहीं है ये, क्लासिकली अपन लेने हैं तो उसके लिए तुम्हारे पास पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू -1 होती है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स -1 ए बाई बी वाई -1 ए जेड बी जेड -1 इज इक्वल टू 1। -1 कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं क्या, तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, -1, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स से पूछा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ठीक है। आपके पास में देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लैम्डा 1 लैम्डा M2 ये दे रखा है 289.8 नैनोमीटर और ये दे रखा है 579.6 नैनोमीटर। T1 आपको दे रखा है 10,000 केल्विन, T2 आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप जानते हो लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, कहने का मतलब लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा M1 अपॉन लैम्डा M2 इज इक्वल टू T2/T1। तो यहां से T2 कितना आ जाएगा भाई, लैम्डा M1 कितना है 289.8 नैनोमीटर, T1 कितना है 10,000 अपॉन लैम्डा M2 कितना है 579.6 नैनोमीटर, T2 तुम्हें निकालना है, ठीक है। ये जस्ट इसका क्या है, डबल है भाई, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारे पास में,
5000, तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5000 केल्विन। ओके, जल्दी से नोट कीजिएगा इसको, नोट कर रहे हो तो, बाकी आंसर मैच कर रहे हो तो नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट तुम्हें आंसर इतना तो याद होगा किसमें तुमने क्या आंसर किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स का। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स का तुम्हारे पास जो है क्वेश्चन पॉली मैट्रिक्स से पूछा था, ठीक है। पॉली मैट्रिक्स से स्पिन वाले क्वेश्चन से पूछा था, क्या था देखो, ऐसे कुछ था, इन सिंगलेट स्पिन स्टेट, इन सिंगलेट स्पिन स्टेट तुम्हें सिग्मा वन वेक्टर सिग्मा टू वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। देखो भाई, एस वन बराबर हाफ होता है, एस टू बराबर हाफ होता है, तो एस की वैल्यू 0.1 मिलती है। इसको बोलते हैं सिंगलेट, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। मुझे नहीं पता, ध्यान ही नहीं है कितनी बार एग्जाम में आ चुका, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होगा जिसमें नहीं आया, बार्क, जेस्ट, गेट, टीएफआर, नेट सब में पूछा हुआ है ये, ठीक है। तो देखो, तुम्हें पता है एस वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, एस वन वेक्टर प्लस एस टू वेक्टर, तो एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर प्लस टू एस वन वेक्टर डॉट एस टू वेक्टर। तो एस वन एस टू निकाल लू यहां से मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, 1/2 एस स्क्वायर माइनस एस वन स्क्वायर माइनस एस टू स्क्वायर, यही होगा तुम्हारे पास में फॉर सिंगलेट। तुम्हें क्या बोल रहा है भाई, साफ साफ बोल रहा है सिंगलेट के लिए निकालना है, तो एस इज इक्वल टू 0, एस वन बराबर हाफ, एस टू बराबर हाफ, ठीक है। तो रखो यहां पे, देखिए 1/2 0 माइनस ये हो जाएगा 3/4 एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको लिखोगे तुम एस वन इंटू एस वन प्लस वन, इसको लिखोगे एस टू इंटू एस टू प्लस वन, ऐसे तो लिखोगे, ठीक है। तो माइनस 3/4 एच क्रॉस स्क्वायर माइनस 3/4 एच क्रॉस स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई माइनस 3/4 एच क्रॉस स्क्वायर। ये देखो भाई, ये किसके बराबर है, एस वन वैक्टर डॉट एस टू वैक्टर। तुम्हें चाहिए सिग्मा, तुम्हें पता होना चाहिए सिग्मा एस जो होता है एच क्रॉस बाई टू इंटू सिग्मा होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एच क्रॉस बाई टू सिग्मा वन वैक्टर डॉट एच क्रॉस बाई टू सिग्मा टू वैक्टर माइनस 3/4 एच क्रॉस स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे पास सिग्मा वन वैक्टर डॉट सिग्मा टू वैक्टर इज इक्वल टू माइनस 3 इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप तुमने कर दिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 12 था, ठीक है, 12वां क्वेश्चन था। चलिए और दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि पूछे हुए हैं तुम्हारे पास एग्जाम के अंदर। देखिए भाई, देखेंगे इधर, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13, ओके, क्वेश्चन 13 था तुम्हारे पास में एलएस कपलिंग। ओके, एलएस कपलिंग के लिए विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ये जहां तक मुझे ध्यान है एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। आपके पास बोल रहा था 4s1 2d7/2, ओके, 3s1 2d5/2, ऐसे था भाई, ठीक है। तो देखो, पहले मैं 4s1 लेके चलता हूं, फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1 lj, ठीक है। तो इसके लिए देखो, l s बराबर कितना है भाई, 3/2 हो गया क्या, यहां से कंपेयर करो, l बराबर 0 हो गया, तो j बराबर कितना आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए, और यहां पे क्या है, 1 है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए, 2d 7/2, s कितना हो गया भाई, हाफ, l कितना हो गया, 2, तो j बराबर l माइनस s से l प्लस s, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 3/2, 5/2, यहां पे कितना आ रहा है, 7/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। थर्ड देखिए, 3s1, ठीक है, s इज इक्वल टू 1, 2s प्लस 1 1 हो गया, l इज इक्वल टू 0, तो j बराबर कितना आएगा, 1, दैट मींस यहां पे j बराबर 1 ही है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। फोर्थ देखिए, 2d 5/2, s इज इक्वल टू हाफ, एल इज इक्वल टू 2, तो j बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस हाफ से 2 प्लस हाफ,
ये तो कर लिया अपन ने, 3/2, 5/2, यहाँ पे 5/2 है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन सी एंड डी, ठीक है, मतलब ये वाले आएंगे। अब मुझे ऑप्शन पता नहीं इधर उधर दे रखे होंगे, एक तो ये सही होगा, एक ये सही होगा, आई थिंक एमएसक्यू के अंदर पूछा होगा ये क्वेश्चन। ओके, इसको नोट कीजिएगा, फिर अपन और करते हैं एक दो क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्या था तुम्हारे पास में? क्वांटम मैकेनिक्स से था, हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड। ओके, आपके पास में फाइल दे रखा है, स्टेट CAT2 प्लस CAT4। ओके, और आपसे क्या पूछा है? टी पूछा है कब, जब तुम्हारे पास में 5T और 5-0 जो है आपस में क्या करें, ऑर्थोगोनल करें, ये क्वेश्चन पूछा है भाई, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन नेट में भी इस बार भी पूछा था, पहले भी पूछा था, गेट में भी पूछा हुआ है, ठीक है, आई होप तुमने सही किया होगा। चलिए सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज कर ले, नहीं भी करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1/√2, टेंशन नहीं लेना है। अगर किसी ने नॉर्मलाइज नहीं किया है तो इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी तुम्हें करना चाहिए जब क्वेश्चन सोल्व करते हो तो। ओके चलिए, इसके बाद देखिए 5T लिख दो भाई मैं, 1/√2 सीधी तरीका है, 2 ऐसे कैसे, e^-i e^(t/h)/4 ऐसे कैसे, e^-i e^(t/h)/। ओके चलिए, अब देखिए एनर्जी कितनी होती है, n+(½)h/ω, n=0, 1, 2, 3 होता है, ठीक है। तो e^2 निकालो तो 2+(½), दैट मींस 5/2h/ω, और e^4 निकालो तो 9/2h/ω, ठीक है। तो देखो यहां पे जब वैल्यू रखेंगे इसकी भाई, देखिए यहां पे जब वैल्यू रखेंगे 1/√2, ओके 2, ठीक है, e^2 की वैल्यू रखेंगे तो यहां पे 5/2h/ω आएगी, तो h क्रॉस से h क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, e^-i, ठीक है, 5, ओके 5 इसकी वैल्यू रखेंगे तो h क्रॉस से कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा टी अपॉन में 2, ठीक है, +4 e^-i 9 ω t/2, ओके तुम्हारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको, चलिए आगे देखते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या बोल रहा है कि ये क्या है तुम्हारे पास, ये ऑर्थोगोनल है, तो टी की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो देखिए 1/√2 जीरो में चला जाएगा, तो कहने का मतलब तुम्हारे पास ये आ जाएगा 2 e^2, ये बड़ा में चेंज कर रहा हूं, i^5 ω/2, ठीक है, +4 e^(i 9 ω/2, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास, ओके। और यहां पे तुम्हारे पास में 1/√2 तो इधर आ गया, 1/2 लिख लो चाहे, ठीक है, और ये हो गया 2+4 = 0, ठीक है, ये जीरो में चला जाएगा, ओके। यहां पे देखो 2 2 1 हो जाएगा, 4 4 1 हो जाएगा, 2 4 0 हो जाएगा, ये ऑर्थोगोनल कर जाएंगे। तो कहने का मतलब इतना सा जाएगा, e^5 ω(t/2 + e^i 9 ω(t/2 = 0। तो यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, ω(t/2 - e^i 9 ω(t/2), इसको इधर ले आओ, e^(i 5 ω(t/2 / e^i 9 ω(t/2 = −1, ओके। अब देखिए आगे, ये ऊपर जाएगा, e^(-i मैंने कॉमन ले लिया, 9 - 5 ω(t/2 = −1, ओके। ये क्या हो जाएगा, e^(-i 4 ω(t/2 = इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e^(-i π लिख सकता हूं, प्लस आइटा पाई लिख दो चाहे माइनस आइटा पाई लिख दो, ओके चलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो देखो 2 ω(t = π, दैट मींस t = π/2 ω, ऐसा ही क्वेश्चन इस बार नेट में पूछा था, ठीक है। अगर किसी ने तब भी सही नहीं किया और अब भी सही नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने उनके सॉल्यूशन भी डाल रखे थे यहां पे। तो आई होप तुमने, जिसने सीख लिया होगा कि सोल्व कैसे होता है उसका तो हो गया होगा, और जिसने नहीं सीखा उसका फिर नहीं होगा भाई, ओके चलिए।
आगे चलें, आगे देखते हैं भाई इसके अंदर। देखिए एक क्वेश्चन तुम्हारे पास और था, क्वेश्चन 15, क्वांटम मैकेनिक्स, हाइड्रोजन एटम। ओके, तुम्हारे पास रेडियल वेव फंक्शन दे रखा था, 1/24 ऐसे करके दे रखा था। यहाँ पे a^-3/2 दे रखा है, r/a दे रखा है, e^-r/2a दे रखा है, ठीक है। तो तुम्हारे पास मोस्ट लाइकली डिस्टेंस ऐसे करके कुछ पूछ रहा था, तो तुम्हें पता है rn इक्वल टू क्या होता है, n^2a0/2, सॉरी n^2a0/z, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, तो rn क्या हो जाएगा, n^2a0, n की वैल्यू यहां से तुम्हें कितनी दिख रही है, n/2 दिख रहा है ना, तो दैट मींस 4a0 तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर इसका। ओके, सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड है फॉर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने के लिए, PRDR। क्या होता है तुम्हारे पास में, r² इसके मोड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखो इसके मोड का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये r पहले से दे रखा है, r³, बाकी सारी कांस्टेंट है ना, उसको मैंने a मान लिया, r³ e^-r/a स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर मोस्ट प्रोबेबल के लिए क्या करेंगे, PR=0, तो यहां से तुम्हारे पास देखो क्या हो जाएगा, 3r² e^-r/a, ठीक है, फिर प्लस r³ ऐसे कैसे, e^-r/a ऐसे कैसे, -1/a=0। ओके, तो यहां से देखो तुम्हारे पास में क्या कॉमन आ रहा है भाई, e^-r/a कॉमन आ रहा है, ओके, r² भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए तुम्हारे पास में ये जब कॉमन आएगा, तुम्हारे पास में e^-r/a भी कॉमन आ रहा है और r² भी कॉमन आ रहा है, ओके। तो ये जब तुम्हारे पास कॉमन आएगा तो ये बचेगा 3 माइनस, ये माइनस है तुम्हारे पास में, r/a=0। ओके, कहीं देखो गड़बड़ नहीं है ना, तो देखिए 3 r/a=0, तो r=3a0 आ रहा है भाई, ठीक है। यहां से तुम्हारे पास कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, 3 आ रही है, ठीक है, यहां से तुम्हारे पास 4 आ रही है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये फॉर्मूला तब ही एप्लीकेबल है जब तुम्हारे पास में l = n-1 होता है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब l = n-1 है, ठीक है। यहां पे तुम्हें l की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ओनली r का दे रखा है, ठीक है। अगर देखा भी जाए तुम्हारे पास में साइन थीटा कोस थीटा की कोई पावर नहीं है तुम्हारे पास में, ठीक है, तो क्योंकि ओनली r पे डिपेंडेंसी दे रखा है ये, ठीक है। तो यहां से अपन नहीं निकाल सकते इसको, डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, अपने को यहीं से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास रेडियल वेव फंक्शन सेम है, ठीक है, यहां पे r/a है और e^-r/2a है तुम्हारे पास में, ठीक है, तो देखिए तुम्हारे पास एक बार चेक कर लेना कहीं पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये r² इसका स्क्वायर, ठीक है, ये r² ऐसे कैसे लिख दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये r4 हो जाएगा भाई, ये r4 हो जाएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, 4r³, और यहां पे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, r4। इससे भी निकालोगे तो सेम आंसर आ रहा है, देखो इससे भी जब तुम निकालोगे तुम्हारे पास जो है सेम आंसर आ रहा है 4, ठीक है, इसका मतलब 4 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो 4 ही आएगा, ठीक है। लेकिन देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमेशा सही है, ये तभी सही है जब l = n-1 को सेटिस्फाइड करे, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको अगर वेव फंक्शन से देख के पता लग रहा है l = n-1 आता है जब, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अगर पता नहीं लग रहा है तो तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा, आंसर इसका 4 ही आएगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो अपन ये 15 क्वेश्चंस हो गए टोटल, 15 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आपके पास और क्वेश्चंस अगर मेमोरी बेस्ड, अब देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं ये स्टूडेंट्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और भी मेरे पास में क्वेश्चंस आए लेकिन किसी की हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, ओके, कोई क्वेश्चन पूरा नहीं है तुम्हारे पास में, उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया है, सॉल्यूशन उन्हीं क्वेश्चंस के अपलोड किए हैं जिसका तुम्हारे पास में एग्जैक्ट मुझे पता लग रहा है, हाँ ये क्वेश्चन सही है तुम्हारे पास में और साफ साफ दिख रहा है, तुम्हें लगता है तो मुझे साफ साफ एक अपने लिख के मुझे डिस्क्रिप्शन में, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं वहां पे सेंड कीजिएगा, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी बनाएंगे। नेक्स्ट, तुम्हारे पास में किसी को पूरा कोर्स लेना है, इंडिविजुअल कोर्स लेना है, ठीक
ठीक है, इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट का लेना है, दो तीन सब्जेक्ट का लेना है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहां पे आप व्हाट्सएप करके जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। कुछ प्रॉब्लम हो कहीं पे, कुछ डाउट हो, ठीक है, कहीं पे कुछ हो सकता है कुछ एरर होगी वो सॉल्यूशन के अंदर, तो आपकी जो भी सजेशंस हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत वेलकम है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं वो सजेशंस। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।